नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। नगारों की गूंज, पटाखों की आवाज और एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए आदिवासी नेता। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। भाषा विवाद पर जीत के बाद अब 1932 के खतियान होगा मुद्दा। आज इस बात को लेकर सरना समाज के नेता अजय तिर्की के नेतृत्व में दर्जनाधिक कर्जकर्ताओं ने जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाला विजय जुलूस। तो वहीं दर्जनाधिक कर्जकर्ताओं ने आज अल्बर्ट एक्का चौक पर सरकार के फैसले का स्वागत किया। बताते चले, राज्य सरकार ने कल भाषा विवाद का निष्पादन करते हुए धनबाद और बोकारो जिला से भोजपुरी और मगई भाषा को हटा दिया। आज उसी की खुशी मनाने अजय तिर्की अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे और सरकार के पक्ष में जमकर नारे लगाए। उनके साथ आए कार्यकर्ता झूमते नाचते नजर आए। तो वहीं बोकारो से राजू महतो ने कहा, एक विवाद तो थम गया लेकिन अगला मुद्दा हमारा अभी भी बरकरार है। क्या कुछ कहा आदिवासी नेताओं ने, आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। देखिए, हेमंत सोरेन ने गठबंधन की सरकार ने जिस तरह से भाषा के लिए कभी बहुत जोर तरीके से आंदोलन हो रहा था, लेकिन सबको समान में मान सम्मान देते हुए रखते हुए हर एक जिला में जिसकी ज्यादा भाषा ही बोली जाती है उसका सम्मान पूर्वक वहाँ पर बात रखा गया, मतलब सबको सम्मान पूर्वक जगह दिया गया। इसीलिए आज हम लोग हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं और मिठाई बांट के पटाखा फोड़ के हम लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, अभी लड़ाई बाकी है। जिस तरह से बिहार झारखंड से अलग हुआ है, किसी बहुत आशा और उम्मीद के साथ में स्थानीय नीति और निजी नीति भी लागू करेगी, ये हमें हेमंत सोरेन और गठबंधन की सरकार से उम्मीद है। आने वाले दिन में हमें पूरे आशा और पूरी उम्मीद है हेमंत सोरेन की सरकार से, जो आदिवासियों की सरकार है, मूलवासियों की सरकार है, पूरा झारखंड हित को ध्यान में रखते हुए स्थान नीति और नियोजन नीति लागू करेगी, हमें पूरे आशा और उम्मीद है। क्या कहेंगे, ये आज विजय जुलूस आप लोग के द्वारा निकाला गया है? बिरसा जी का सपना पूरा होते प्रतीत हो रहा है। अबुआ दिस उमाबुआ राज शुरुआती हो चुकी है और आगे इस राज के लिए, यहाँ की जनता के लिए हित वाली बात जो भी आएगी, सभी समस्याओं का एक एक करके सरकार के द्वारा निदान किया जाएगा और इस राज का खुशहाली के लिए हम लोग कामना करते हैं। सरकार को आगे इसी तरह से कदम उठाना चाहिए। हतु महासभा प्रदेश मार्शल बारला, लड़ाई अभी लंबी है। सबसे पहले बधाई आप लोगों को भी और मुख्यमंत्री को विशेष करके और उनके पूरे सहयोगी दलों को, जितने मंत्री हैं और कैबिनेट में जितने लोग हैं। इतना सुंदर संशोधन हुआ है, इसके लिए बस इतना ही कहना चाहेंगे, सभी झारखंडवासी मूलवासी सब को मुबारक हो और सुंदर तरीके से ये संशोधन हुआ है। आगे भी नियोजन नीति भी बनेगा और स्थानीय नीति भी बनेगा। बस मेरा नाम जयंत कच्छप है, हम सोशल एक्टिविटिस्ट है, समाज सेवक है और सना समिति के साथ मिलके काम कर रहे हैं। आज का विजय जुलूस जो है हमारे झारखंड के लिए गर्वमानी दिन है, इसलिए कि जिस तरह का वाद विवाद हो रहा था भाषा को लेके और जिस चीज के लिए इस झारखंड को अलग किया गया था, हमारे जो भी कल्चर है, जो हमारे भाषा है, जिसके आधार पे हमें नौकरी आरक्षण मिलती है, उसे आज मान्यता दी गई है और इस मान्यता के विशेष पे हम लोगों ने आज अपना खुशी जाहिर की है, जिसमें आदिवासी मूलवासी दोनों की सहमति और एकता बने रहे, इसको ध्यान में रखते हुए आज हेमंत सरकार ने इनको पारित किया है। देखा गया कि झारखंड सरकार का पुतला दहन किया गया है। देखिए, झारिया का जहाँ तक मामला है कि लोगों का सोच यहाँ अभी ये भी बना हुआ है कि हम बिहारी है तो हमको बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। जो बिहार के लोग हैं, जो यहाँ से रह चुके हैं, आप ठीक है, अब खतियानधारी नहीं है, ढीढ़धारी है, लेकिन आप तो यहाँ के झारखंड वासी हो चुके हैं। लेकिन अगर आप मानते हैं अपने आप को बिहार के, तो आप तो विरोध कीजिएगा ही। अगर आप झारखंड का मानते तो जाहिर सी बात है विरोध नहीं करते। अब इस विरोधाभास का वजह वही है कि आप यहाँ का झारखंड वासी अपने आप को नहीं मानते हैं, इसीलिए आप विरोध कर रहे हैं। यहाँ का मूलवासी और आदिवासी को अधिकार मिल रहा है तो आपको दुख लग रहा है, आपको तकलीफ हो रहा है, जो चीज की आपको नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे मूलवासी और आदिवासी के साथ रहते आए हैं और रहिएगा।
आप जिस मेरिट में आइएगा उस मेरिट में आपका स्वागत है, और हम जिस अधिकार और आरक्षण के तहत में आएंगे उसमें आप हमको भी स्वागत कीजिए। मैं रूपचंद केवट, केंद्रीय सरना समिति सचिव। प्रक्रिया क्या रहेगा? सरकार ने जो गलती की थी उसको उन्होंने सुधारा है, और हम लोग भाषा संघर्ष समिति के तमाम सदस्य, तमाम माताओं बहनों सबको जोहार प्रणाम, जे अपन अपन घर से निकल के ये आंदोलन टाके सफल कर ले। और हम चाहबे कि जैक अपन वादा लेके माननीय मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री के कुर्सी में बैठल उटा सबसे पहले लागू करो यहाँ खतियान आधारित स्थानीयता, और 1932 जेटा बोल के तैयार है 1932 के यहाँ खतियान लागू कर, नियोजन नीति स्थानीय नीति बनाओ, और जे 10th 12th के अभी एगो चल रहा कि मैट्रिक इंटर जे यहाँ से कर लो झारखंडी उतना चलतो ना, ये वो बात चलतो सिर्फ खतियान आधारित स्थानीय नीति। इसका मतलब है कि आप लोगों का आंदोलन आज थमने वाला नहीं है, आगे भी जारी रहेगा? हाँ एकदम, जब तक यहाँ खतियान आधारित स्थानीय नीति न लागू होते तब तक ये आंदोलन चलते रहते हैं, और तब तक हमारी सरकार के चयन से सुते रहेंगे। आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? आगू बहुत जल्द अगर बैठ के रणनीति तय कर लीजिए, चूँकि 1.5 महीना के आंदोलन के बाद हमारी के थोड़ा सा अभी मैंने अपन आपके आराम दे रही है, सिर्फ आराम एक पल दो पल के, और बाद फिर से नया रणनीति तय होते और सरकार के फिर से हमारी घेरबे और अपन वादा और ओकर अपन कर्म के लेकर कि तुम जो कर्म करे खातिर आए उठा कर, और झारखंडी के पहचान तो झारखंडी के दिन। आप लोग भाषा आंदोलन को जीत लिए, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय झारखंडी संघर्ष समिति को है, तमाम वो माए बहन काका जेठा सोप के है, जो उस दिन मानव श्रृंखला महिले जे हमारी जखन हथकल वाठी के मसाल जुलूस निकालिए तखन अपन घर द्वार छोड़ के अले, तमाम हुआ युवा जो 1.5 महीना से संघर्ष कर ले, सब आंदोलनकारी अगुआ सब सब एकर में आंदोलन के श्रेय के हकदार है, जे तो मीडिया के बंधु जे मीडिया अपन तत्परता के साथ आर एक मैंने विशेष एकर पे कवरेज करके देखेले कि झारखंड में की चाहिए, बोकारो धनबाद में मगी भोजपुरी ना चलतो, जे नारा तो हम भी बुलंद कर लिए, सब अखबार सब मीडिया तमाम साथी जे इस आंदोलन में हमरी के समर्थन करल है सब के ईटा के श्रेय जाए। आगे आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के स्थानीय युवाओं को? आगे अपन स्थानीय युवाओं को जब तक हमरी के खतियान आधारित स्थानीय नीति या नियोजन नीति नहीं लागू है तो तब तक हमरी के चैन से रहना ना है, तो एक बार जो परंटा हमरी ले लिए अब 1932 के खतियान के बाद ही हमरी के घर वापस घुसना है। तो आज की खबर में बस इतना ही, बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।